नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। भारतीय टीम ने पहले टी20 मुकाबले में श्रीलंका को 62 रनों से मात देकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत के बल्लेबाजों ने बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया। रोहित शर्मा के बल्ले से भी खूब रन निकले। इसके अलावा श्रेयस अय्यर ने अंतिम में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर भारत को 199 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया, जिसके जवाब में श्रीलंका 62 रन पीछे रह गया और भारत ने पहले मैच में शानदार जीत दर्ज की। वहीं पर इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करने वाले भारत के श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी के लिए भी कप्तान से मौका मांगा, लेकिन उन्हें कप्तान ने गेंदबाजी नहीं दी। बता दें कि श्रेयस अय्यर भी ऑलराउंडर बनना चाहते हैं और वो भी इसीलिए इस मुकाबले में गेंदबाजी करना चाहते थे क्योंकि मैच में भारत काफी मजबूत स्थिति में था। उन्होंने गेंद मांगी उस वक्त कप्तानी कर रहे जसप्रीत बुमराह से। दरअसल श्रेयस अय्यर ने मैच के बाद हंसते हुए ये बयान देते हुए कहा, पारी के 16वें ओवर में जब नियमित कप्तान रोहित शर्मा बाहर गए हुए थे तो बुमराह कप्तानी कर रहे थे, मैंने उन्हें घुस देने की कोशिश की। ये कहते हुए अय्यर हंसते हुए नजर आए और कहा, मुझे भी गेंदबाजी दी जाए, लेकिन वो नहीं माने। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जसप्रीत बुमराह से उन्होंने गेंदबाजी मांगी और कहा कि मैंने बल्लेबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन किया है और गेंदबाजी में भी मैं हाथ आजमाना चाहता हूं। लेकिन उस वक्त कप्तानी कर रहे जसप्रीत बुमराह ने श्रेयस अय्यर की एक भी ना सुनी और उन्हें गेंदबाजी नहीं दी। आपको बता दें कि भारत में इस वक्त छठवें गेंदबाज को लेकर लगातार खोज जारी है। वेंकटेश अय्यर के आने से भारत के कप्तान को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन वेंकटेश अय्यर कब तक ऐसा प्रदर्शन जारी रख पाएंगे ये आगे देखना होगा। इससे पहले भारत ने इस दौरान काफ़ी बॉलिंग ऑलराउंडर्स को आजमाया, जिसमें हार्दिक पांड्या का नाम सबसे आगे रहा, लेकिन हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के उस भरोसे पर खड़े नहीं उतरे, जिसके बाद से भारत को लगातार मुश्किलें हो रही थी क्योंकि छठवें गेंदबाज के तौर पर भारत के पास कोई अच्छा गेंदबाज नहीं था। फिलहाल जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने दिलचस्पी दिखाई है गेंदबाजी करने की और एक ऑलराउंडर बनने की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।